ये सभी एक विशेष प्रकार के सिरदर्द से पीड़ित है, जिसे माइग्रेन कहते हैं। माइग्रेन एक तीव्र धड़कता हुआ दर्द होता है जो आम तौर पर सिर के एक तरफ को असर करता है। इसके साथ अक्सर जी मचलाना, उल्टी एवं रोशनी तथा ध्वनि के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता दिखती है। दर्द शुरुआत में हल्का हो सकता है, लेकिन नजरअंदाज करने पर यह मध्यम या तीव्र हो सकता है। माइग्रेन 4 घंटे से 72 घंटे तक रह सकता है और कुछ मामलों में पीड़ित व्यक्ति को इससे एक सप्ताह तक भी दर्द हो सकता है। माइग्रेन के 2 सबसे आम प्रकार हैं, ऑरा के बिना माइग्रेन और ऑरा के साथ माइग्रेन। आमतौर पर ऑरा एक दृष्टि संवेदी अनुभव होता है, जिसमें व्यक्ति टिमटिमाती रोशनी, धब्बे या आंशिक दृष्टि हानि का अनुभव करता है। माइग्रेन से पीड़ित 25% लोगों को ऑरा का अनुभव भी हो सकता है। माइग्रेन को इसके लक्षणों के माध्यम से सामान्य सिरदर्द से अलग करके समझा जा सकता है। यद्यपि माइग्रेन के दर्द के दौरान अलग व्यक्तियों में लक्षण भिन्न हो सकते हैं, पर समान लक्षणों में यह शामिल है। गंभीर धड़कता हुआ दर्द, आमतौर पर सिर के एक तरफ, जी मचलाना, उल्टी, रोशनी, ध्वनि या गंध के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि और सिर चकराना। माइग्रेन बचपन में शुरू हो सकता है या हो सकता है कि प्रौढ़ता तक भी ना हो। पुरुषों की तुलना में महिलाएं माइग्रेन से अधिकतर पीड़ित होती हैं। पारिवारिक इतिहास माइग्रेन का सबसे आम कारक है। माइग्रेन को सक्रिय करने वाले कुछ कारक ये हैं: तनाव में वृद्धि, मासिक धर्म, गर्भावस्था या रजोनिवृत्ति के दौरान एस्ट्रोजन में उतार चढ़ाव, तीव्र मौसम, तेज रोशनी, जोर की ध्वनि या कोई असामान्य गंध, नींद के स्वरूप में बदलाव, शरीर में पानी की कमी, भोजन छोड़ना या भोजन करने के समय में देरी, धूम्रपान, तीव्र व्यायाम, यात्रा का तनाव, कुछ खाद्य पदार्थ जैसे चॉकलेट, चीज, शंख मछली, कैफीन, शराब, सोय सॉस और कुछ खाद्य योजक जैसे एस्पार्टम का सेवन भी माइग्रेन को सक्रिय कर सकता है। माइग्रेन का कोई पूर्ण उपचार नहीं है, हालांकि कई तरह के उपचार हैं जो इस स्थिति को नियंत्रण में ला सकते हैं। सबसे अच्छा यही होगा कि अपने माइग्रेन के उपचार के लिए डॉक्टर को सही उपचार, सलाह और समर्थन देने की अनुमति दें। माइग्रेन के उपचार में 2 व्यापक श्रेणियां होती है, अल्पकालिक उपचार और प्रतिबंधक उपचार। अल्पकालिक उपचार में दवा के साथ उपचार किया जाता है, जिसे केवल माइग्रेन के दर्द से राहत पाने के लिए लिया जाना चाहिए। प्रतिबंधक उपचार में वो दवाएं शामिल होती हैं जो भविष्य में माइग्रेन दर्द की बारंबारता, तीव्रता और अवधि को कम करने में सहायता करती है। इन दवाओं को पूर्ण लाभ दिखाने में कभी कभी समय लगता है, इसलिए आपको संभवतः उन्हें कम से कम 3 से 6 महीने तक लेना पड़ सकता है। आपके माइग्रेन की रोकथाम मुख्य रूप से आप पर निर्भर करती है। माइग्रेन को दूर रखने के लिए इन सरल क्या करें और क्या न करें का पालन करें। आपके माइग्रेन को सक्रिय करने वाली चीजों को पहचानें और उनसे बचें। प्रतिदिन जलपूर्ण रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पिएं। अपनी नींद की आदतों पर अटल रहें। नियमित रूप से व्यायाम करें। शरीर का उचित वजन बनाए रखें। तनाव कम करने के लिए आराम करना सीखें। एक डायरी में माइग्रेन के दर्द का ट्रैक रखें। माइग्रेन को रोकने के लिए क्या न करें इस प्रकार है: कभी भी अपना भोजन न छोड़ें या उन्हें देरी से न लें। तीव्र शारीरिक व्यायाम से बचें। प्रखर धूप में घर से बाहर जाना टालें। अपने स्क्रीन समय को सीमित करें। धूम्रपान न करें। स्व चिकित्सा न करें। हमेशा याद रखें, आप अपनी जीवन शैली में बदलाव और उचित उपचार के साथ अपने माइग्रेन से बच सकते हैं। आप भी अपने माइग्रेन के प्रभावी प्रबंधन के साथ एक सामान्य जीवन जी सकते हैं।